शादी के बाद जैसे कि एक लड़की उम्मीद करती है अपने पति से कि मेरा पति मेरे लिए ये करेगा वो करेगा, वैसे ही एक पति भी कुछ उम्मीदें रखता है अपनी पत्नी से कि वो शादी के बाद क्या करेगी उसके लिए। वो उम्मीदें उसके दिल में दिमाग में होती हैं। कभी कभी पति ये बातें खुलकर बोल देते हैं, कभी कभी नहीं बोलते। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ उन्हीं आशाओं के बारे में, उन्हीं उम्मीदों के बारे में जो एक पति रखता है अपनी पत्नी से। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहली उम्मीद, सबसे पहली एक्सपेक्टेशन जो लगभग लगभग हर एक लड़का रखता है अपनी पत्नी से, वो ये कि ये जो मेरी वाइफ है मेरी थोड़ी सी कम इज्जत करेगी तो कोई बात नहीं, बट मेरी माँ की इज्जत करे, मेरी फैमिली की इज्जत करे, मुझे थोड़ा सा कम प्यार करे तो चलेगा, बट मेरी मदर की, मेरी फैमिली से बहुत प्यार करे। तो ये उम्मीद हर एक लड़का रखता है अपनी वाइफ से कि वो जो वाइफ है वो उसकी फैमिली को वैसे अपना लेगी जैसे कि उसने अपना रखा है खुद की फैमिली को। ये उम्मीद पे अगर आप खरा उतरती हैं तो यकीन मानिए आप अपने हस्बैंड की दिल की रानी बनकर रहेंगे। दूसरी एक्सपेक्टेशंस, लगभग लगभग हर भारतीय मर्द ये चाहता है कि जो उसकी वाइफ है उसको थोड़ा सा ऊंचा दर्जा दे, थोड़ा सा ऊंचा समझे अपने आप से अपने पति को। देखिए, एक जो मैच्योर हस्बैंड होता है, समझदार लविंग हस्बैंड होता है, वो अपनी वाइफ को इक्वली समझता है, इक्वल दर्जा देता है, बट ये उम्मीद करता है कि मैं तो इसको बराबर समझ रहा हूँ, मैं इसको कहीं कम नहीं समझता, बट ये मुझे थोड़ा सा ऊपर समझे, ये थोड़ा सा मुझे इज्जत दे, थोड़ा सा इस बात की वैल्यू समझे कि मैं इससे ऊंचा हूँ। कुछ लाइफ का डिसीजन लेना है तो मुझे बताए, मुझसे परमिशन ले, कहीं जाना है तो मुझसे पूछ ले, क्या पहनना है क्या नहीं एक बार मेरी राय ज़रूर मांगे, अच्छा लग रहा है ये नहीं क्या मैं ये पहन सकती हूँ या नहीं, ये चीज़, इस छोटी छोटी चीज़ें हस्बैंड चाहता है अपनी वाइफ से। क्योंकि गर्ल्स क्या होती हैं, अपने घर में अपनी मर्जी की मालिक होती हैं, अपनी मर्जी की रानी होती हैं, पापा की लाडली तो होती हैं। सो लड़कियाँ हम सब अपने घर में वो करते थे जो हम करना चाहते थे, वो वाला जो एटीट्यूड होता है कि मैं क्यों पूछूं या मुझे क्यों बताना है, ये जो एटीट्यूड होता है गर्ल्स का, ये हस्बैंड पसंद नहीं करता। हस्बैंड को ये चीज़ें पसंद नहीं आती लड़कियों में, अपनी वाइफ में। सो अगर आप थोड़ा सा अपने हस्बैंड को रिस्पेक्ट देंगी, छोटी छोटी बातों को लेकर उनसे पूछेंगी, परमिशन मांगेंगी, थोड़ा सा ही सही, थोड़ा दबके रहेंगी, तो आपका पति आपसे ज़्यादा खुश रहेगा। नेक्स्ट, लगभग हर हस्बैंड 80% हस्बैंड ये उम्मीद करते हैं अपनी वाइफ से कि वो जो आएगी ना मुझे अच्छा अच्छा खाना खिलाएगी, मेरे खाने का ध्यान रखेगी, मुझे क्या पसंद है खाने में क्या नहीं इस चीज़ को नोटिस करेगी। सो ये चीज़ें आप ध्यान रखें। एक लड़का खाना बहुत ज़्यादा पसंद करता है और अपनी वाइफ से उम्मीद करता है कि वो अच्छा खाना बनाए, तो ये चीज़ें एक वाइफ को आना ही चाहिए अगर आप चाहती हैं कि आपके पति के दिल में आप बसे। अगली उम्मीद जो लगभग लगभग सब पति करते हैं अपनी पत्नी से, जो ज़्यादातर वो बोलते नहीं हैं बट होती ज़रूर है, कि उनकी वाइफ सुबह शाम पूजा करे। देखिए, ये भी हो सकता है कि जो आपका पति है वो खुद पूजा नहीं करता, पूजा पाठ पे ध्यान नहीं देता, उसको मंदिर जाने का शौक नहीं है, बट ये चीज़ें अच्छी लगती हैं पति को जब उनकी वाइफ ये सब करती है, वो वाइफ से तो उम्मीद करते हैं। क्योंकि ये हम इंडिया में मान के चलते हैं कि जो लक्ष्मी होती है घर की वो बहू होती है, बेटी नहीं बहू होती है, और जो बहू आएगी, जो लक्ष्मी है, वो घर को संभाल के रखेगी, पूजा पाठ करेगी। तो ये उम्मीद हर एक लड़का करता है। हो सकता है आपके पति ने ये चीज़ बोली ना हो, एक बार ये सब चीज़ें करके देखिए, फिर आपको एहसास होगा कि आपका पति इन चीज़ों को देखकर कितना खुश है। अगली उम्मीद जो एक पति करता है कि उनकी जो वाइफ है ना उनसे आर्ग्यू ना करे, उनसे ज़ुबान ना चले। हर एक जो हस्बैंड होता है वो ये मानकर चलता है कि मैं तो अग्रेसिव हूँ, क्योंकि जो बॉयज़ होते हैं ना वो मेनली बचपन से ही उनकी टेंडेंसी गुस्से वाली होती है, क्योंकि लड़कों को थोड़ा सा इसी तरीके से माएँ पालती हैं लाड़ प्यार में, कि बच्चा गुस्सा है तो कोई बात नहीं चुप हो जाएंगी, तो माएँ ऐसी होती हैं। जब एक लड़का किसी से शादी करता है तो वो उस लेडी में अपनी माँ की परछाई देखना चाहता है, और इसी तरीके का बिहेवियर वो उससे उम्मीद करता है अपनी वाइफ से कि अगर मुझे गुस्सा आ भी गया तो मेरी वाइफ दो बातें सुन ले, जब मैं गुस्से में हूँ तो मुझे जवाब ना दे। वो हालांकि गुस्सा ठंडा होने के बाद इस चीज़ को ज़रूर मानता है कि उसने गलती की, उसको इस तरीके का बिहेव नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो ये उम्मीद करता है कि अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो उस टाइम पर शांत हो जाओ, अगर मैंने चार बातें गलत कह दी हैं तो उस टाइम पर मुझे जवाब मत दो,
ये लगभग हर लड़के को चाहिए अपनी वाइफ से। सो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो लगभग लगभग हर एक हस्बैंड चाहता है कि उसकी वाइफ उसके लिए करे, उसके घर में करे। इसके अलावा जो भी हस्बैंड इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपनी राय ज़रूर दें इस वीडियो के बारे में, और ये भी ज़रूर बताएं कि इसके अलावा ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप देखना चाहते हैं अपनी वाइफ में। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। फिर मिलूंगी ऐसे ही यूज़फुल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।